जितना भी अभी तक वैदिक में दिया हुआ है, वैदिक मतलब जो वास्तु शुरुआत किसी ने करी, अभी उन दिनों में उनको पता नहीं था कि फ्लैट्स भी हो सकते हैं, 100-100 मंजिल बिल्डिंग बन सकती है, उनको मालूम ही नहीं था, किसी भी उनको सोच में ही नहीं थी। उनके कई चीजें ऐसी हैं जो अपडेट करनी पड़ेगी, अपडेट किया हुआ है तो वो ज्यादा अच्छा है, अपडेट हमें भी करना है। अब ये समझिए ना, जैन धर्म है, उन्होंने जो दिया शाम के वक्त खाना मत खाना, मुंह पे पट्टी रखना, शाम के वक्त खाना मत खाना का मतलब ये था कि शाम के वक्त खाते टाइम में कोई कीड़ा पतंगा इधर उधर उसके खाने में ना गिर जाए, कोई हिंसा ना हो जाए उससे। उनको दूर दूर तक लाइट का कहीं पता ही नहीं था, सोचा भी नहीं था उन्होंने। आज भी आप आज के टाइम में ले लो ना, हिंदुस्तान के कई गांव हैं आज के टाइम में जो किरासन तेल से, आज से 20-25 साल पहले हमने किरासन तेल से लालटेन डिबिया में हमने पढ़ाई की है, लाइट जैसे तैसे देखा करते थे, कभी 24 घंटे में 1-2 घंटे 3 घंटे आ गई किसी किसी के घर में थी। तो उस जमाने में लाइट का तो उनको दूर दूर तक पता ही नहीं था कि शाम होती नहीं होगी। कभी ऐसा भी हो सकता है कि मैं अभी रात के 10 बजे इतने लाइट में वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा होऊंगा, आज से 1000 साल 2000 साल पहले किसी को पता ही नहीं था, ऐसा हो सकता है। उन्होंने जो रूल बनाए, जो सेट किया, वो सब उस टाइम के हिसाब से, सारी चीजें उस टाइम के हिसाब से हुई। उस टाइम आदमी का आहार प्रत्याहार भोजन सारी चीजें अलग अलग थी। आज हम आंखों से जितना आहार लेते हैं, आंखों से जितनी हिंसा ग्रहण कर लेते हैं, उतनी हिंसा हम भोजन में मांसाहार भी कर लें या तमसी कितना भी भोजन कर लें, उतनी हिंसा हम भोजन से नहीं ले सकते जितनी हिंसा हम आंखों से ले लेते हैं। फिर ध्वज छाया वेद है, ध्वज छाया वेद भी यही है। ध्वज होता है ना, मंदिर का जो ध्वज होता है, मंदिर के ऊपर जो ध्वज है उसकी, इसकी डेफिनेशन अलग है मगर जो एक्चुअल है वो यही है, एक ध्वज होता है पताका टाइप में, ऐसा ध्वज होता है, ये भी मंदिर टाइप में इसकी पूजा होती है। ध्वज छाया वेद में क्या दिया हुआ है, इसका भी मंदिर से ही परिभाषा ली गई है इसकी, मगर ध्वज का जो एक्चुअल मीनिंग है, एक पताका वाला ये मंदिर है, ध्वज वाली मंदिर होती अलग है, ये वाली, ये पताका वाला मंदिर ही अलग होता है। ये ध्वज जहां पर रहे ये लंबा होता है, बहुत लंबा, मंदिर तो तब भी हम एक हाइट पे बनाते हैं और ये बहुत लंबे लंबे पूरे बांस के ऊपर में पताका लगाया हुआ होता है। ये जो ध्वज है ना, ध्वज वाले मंदिर जितने भी हैं, उस ध्वज के पूरे लंबाई तक, लंबाई के दुगने तक, अगर 25 मीटर का ये है या 50 मीटर का ये है, तो 100 मीटर के बाद कोई मकान होना चाहिए, क्योंकि ये सीधा सीधा मन्नत के लिए किया जाता है, ये हर किसी के घर में किया भी नहीं जाता है, हर कोई इसको करता भी नहीं है, सीधा सीधा कोई पैरालिसिस का पेशेंट है, पहले के टाइम में ऐसा होता था, कोई बीमार हो गया, कोई बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात है, तो वो इस टाइप से मन्नत मांगता था वो, और फिर वो ये चीजें करता था। ये वो है ध्वज छाया वेद। वृक्ष छाया वेद ये है, वृक्ष की छाया आपके घर पे नहीं पड़नी चाहिए, वो भी उस प्रहर में, दो प्रहर में वृक्ष की छाया आपके घर पे नहीं पड़नी चाहिए, इसको वृक्ष छाया वेद बोलते हैं। दो प्रहर का क्या मतलब है, 10 बजे से 3 बजे तक का मतलब ये है, 10 बजे सूरज सीधे ईस्ट में होता है, ईस्ट में ही होता है, वेस्ट की तरफ बिल्कुल गया भी नहीं होता है, ईस्ट में ही रहता है, ईस्ट से थोड़ा ऊपर गया रहता है। अगर 10 बजे से 3 बजे के बीच में आपका घर ढका हुआ है, सूरज की रोशनी नहीं आ रही है, तो ईस्ट ढक गया आपका, वहां से आपको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, सोशल कनेक्शन कम हो जाएगा आपका, ईस्ट खुला हुआ होना चाहिए, वहां पर आपको भार ज्यादा नहीं देना चाहिए, वृक्ष ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आपके घर को ढक ले, इसलिए वृक्ष छाया वेद दिया गया। पर्वत छाया वेद भी ऐसा ही है कि कोई भी पर्वत की छाया 10 से 3 बजे के बीच, दो प्रहर के अंतर्गत आपके घर पे नहीं पड़नी चाहिए, ये गलत होता है। ऐसे अगर ऐसा प्लॉट आपको मिल रहा हो तो वो प्लॉट ना लें। वृक्ष छाया वेद में एक और है, पेड़ जो होते हैं ना, पेड़ पौधे घर के आसपास जस्ट लगाना नहीं चाहिए, फल वाले फूल वाले भी नहीं लगाने चाहिए, जिनकी अपनी खुद की कैपेसिटी हो कि वो खुद से कुछ निकालें और अच्छे लगें, वो आप अपने घर के आसपास मत लगाओ, फलदार तो लगाओ ही मत। क्या है, जो ये धरती है, मिट्टी जो है,
कोई भी पेड़ आप देखेंगे, मिट्टी ही फूटकर पेड़ बनती है। मिट्टी ही फूटकर खुद को बैलेंस करने के लिए, कहीं पीपल का पेड़ बनती है, कहीं आम का पेड़ बनती है, मिट्टी छटती चली जाती है, मिट्टी खुद से निकलती है। ये खुद का विकास है उसका, जैसे हम लोग अपनी संतति करते हैं, मिट्टी खुद का विकास है उसका। ये जीवन है मिट्टी का, खुद का, वो एक जीवन वहां पर पाल रही है। फल वाले वृक्ष में फल चाहिए, वो वहां से उस मिट्टी से उतनी उर्वरकता खींचेगा। आप पीपल के पेड़ के जस्ट नीचे घास नहीं पाओगे, पक्का देख लेना कैसे भी। पीपल के पेड़ के जस्ट नीचे आपको घास और जो छोटे 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 पौधे भी जो होते हैं ना, वो भी नहीं मिलेंगे। इतना सबल पेड़ होता है वो, खींच के रख लेता है सब कुछ। वहां आपको मिट्टी को खास दूरी पर नीम पैदा करना पड़ता है, खास दूरी पर एक खोखस का पेड़ होता है, ये पैदा करना पड़ता है। इतनी पॉजिटिव एनर्जी का पेड़ है वो, अंदर तक घुसा हुआ रहता है। जितना ऊपर है और जितना फैला हुआ है, उतना ही नीचे फैला होता है उसका जड़ भी। आप जब भी पेड़ लगाते हैं और जो मकान बनाते हैं, तो मकान में नीचे उसके नीम में, वो पेड़ जो है ना, नीम में पेड़ की जड़ें चली जाती हैं, ये प्रॉब्लम हो जाती है। वो आपके मकान को गिरा भी सकती हैं जड़ें। इसलिए ये वेद जो है ना, पेड़ वाला जो वेद है, ये बहुत ही कामगर है। आप कल आजकल हम लोग क्या करते हैं, कुछ है नहीं तो हम घर के पास ही लगा लेते हैं सारी चीजें, और घर के पास नहीं लगाना चाहिए। पहले तो आपका मकान डैमेज हो जाता है, सबसे पहला कारण है कि आपका मकान डैमेज हो जाता है। जितना ऊपर पेड़ दिखता है ना, उतना नीचे होता है, उतनी जितना फैला होता है उतना ही फैला नीचे भी होता है, नहीं तो वो रुक ही नहीं पाएगा, गिर जाएगा, किसी भी हवा में गिर जाएगा। उतना ही नीचे भी फैला होता है, आपके घर में उसकी जड़ें होती हैं, गई भी होती हैं। वो घर के लिए सबसे पहले तो मकान के लिए नुकसानदायक है, दूसरा उस जमीन से वो उर्वरकता खींचता है। आप भी उस जमीन से उर्वरकता खींचते हैं, जहां रह रहे हैं, चार प्रकार की भूमि जो हमने देखी, वो उस जमीन से उर्वरकता आप भी खींचते हैं, तभी वास्तु काम करता है, नहीं तो वास्तु काम ही नहीं करेगा अगर हम जमीन को नहीं लेंगे तो। तो पेड़ पौधे होने ये बहुत गलत है। आपने देखा होगा सिमर का पेड़ होता है, सिमर, सिमर जो रुई होती है ना, सिमर की रुई होती है, सिमर का पेड़ होता है, सिमर से जो तकिया बनाते हैं, सिमर का पेड़ अपने बीज को पंख लगा के, उसमें बीज में पंख लगा के और नीचे गिरा देता है, क्योंकि उसका जो जड़ की जो मिट्टी होती है और जड़ के साइड की जो मिट्टी होती है, दूर तक कम से कम 10 मीटर 15 मीटर तक, वो इतनी सबल होती है कि वहां पर एक घास को उगने नहीं देती, किसी बीज को उगने नहीं देगी। उसमें वो रुई लगा के और फिर वो बीज में रुई लगा के गिराती है अपने बीज को, रुई में उड़ जाती है उसकी बीज और कहीं जाके गिरती है, वहां पर फिर वो जन्म लेती है। इतना स्ट्रांग होती है, गिरी तो जन्म ले लेगी, जरा सा पानी मिले, खाद ना भी मिले, ये सब ना मिले, तो भी स्ट्रांग होती है बहुत। अगर वो आपके घर पे हो तो सत्यानाश करके रख दे। इसलिए कहते हैं पीपल वाले घर पे, अगर पीपल हो किसी घर पे, तो आप एक आध घर में ही किसी में देख लो तो देख लो, वहां भी कोई फलता हुआ तो मैंने देखा नहीं, उसमें प्रॉब्लम ही रहती है। वो जमीन की उर्वरकता शक्ति सारी ले लेती है खुद ही, उसे खुद चाहिए। कैसे निकालेगी 24 घंटे ऑक्सीजन, क्या खाती होगी 24 घंटे ऑक्सीजन कैसे निकालेगी, समझिए बात को। खुद कितना तपती होगी, खुद कितना जलती होगी जो 24 घंटे ऑक्सीजन निकाल के देती है। मधुमक्खी को लीजिए, मधुमक्खी में कितना जहर भरा होता है, उस जहर का फल आपको शहद में मिलता है। जितना मीठा आप शहद खाते हैं उतना ही जहरीला मधुमक्खी है, उतनी जहरीली है, उतना ही उसमें डंक भरा हुआ है, उसके डंक में उतना ही जहर भरा हुआ है। कितना खुद को तपते हैं ये लोग, फिर जाके कुछ बना के देते हैं। तो वो जो तपना है ना, इसकी छाया एनर्जी जो बनती है, जो पॉजिटिव की एक छाया एनर्जी जो बनती है, वो जो तपना है वो हम लोगों के लिए बुरा होता है, वो गलत होता है, उसको हम झेल नहीं पाते। आगे वाला है, इसके बाद हम द्वार वेद ले लेते हैं।